आप में से बहुत सारी लोग होगी जो व्हाट्सएप के अंदर डार्क थीम को डार्क मोड को एनेबल करना चाहते हो, जो व्हाट्सएप के अंदर दोस्तों डार्क थीम आने ही वाला है। सो इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा अगर आपके पास कोई भी शाओमी और रेडमी और एमआई का डिवाइस है, आप किस तरह से उसके अंदर डार्क थीम को डार्क मोड को इनेबल कर पाओगे अपने व्हाट्सएप के अंदर। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, मेरे पास है रेडमी नोट 4 जो कि MIUI 9 के अंदर रनिंग कर रहा है। MIUI 9 आई MIUI 10 दोनों के अंदर ही काम करेगा। सो आपके पास जरूरत होगी किसी रेडमी फ़ोन की, उसके साथ साथ उसके अंदर MIUI डाला होगा। और यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो मॉडल नंबर है रेडमी नोट 4 Android 7.0 MIUI 9.5 ग्लोबल स्टेबल के अंदर मैं रनिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर हम व्हाट्सएप के अंदर डार्क थीम को इनेबल करने वाले हैं। सो इस वीडियो के साथ बने रहिए, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में दो थीम का लिंक मिल जाएगा। ये जो थीम मिलेगा दोस्तों यहाँ पर जो सो इस थीम का भी लिंक मैं दे दूंगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो डार्क थीम है उसका भी लिंक मैं दे रहा हूँ। सो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, थीम के अंदर चलते हैं। उसके बाद यहाँ से थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो थीम का नाम है गैमेक्स डार्क थीम, सक्सेसफुली हमने थीम को अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम बैक में आ जाते हैं और कुछ टाइम लगता है। उसके बाद हमारे पास जो व्हाट्सएप है उसे ओपन कर लेते हैं और बूम, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों पूरा ब्लैक थीम के अंदर तकदीर हो गया है, सब कुछ ब्लैक हो गया है। अगर मैं कैमरा भी ओपन करता हूँ दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद अगर इसमें सेटिंग्स के अंदर चलते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाता है दोस्तों, पूरा ब्लैक थीम हो गया है। उसके बाद अगर हम कॉल ओपन करते हैं तो कॉल भी कुछ इस तरह से आता है, पूरा ब्लैक थीम के अंदर है। जो चैट आते हैं दोस्तों वो भी आपको ब्लैक के अंदर ही दिखाई देगा, ऊपर ब्लैक है। इसके साथ साथ जो वॉलपेपर है उसे अगर आप चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर व्यू कॉन्टैक्ट मीडिया सर्च ये जो पैनल आता है दोस्तों ये भी ब्लैक के अंदर दिया गया है। अगर आप कॉल करते हो तो शायद अगर कॉलिंग जो तो होता है दोस्तों वो भी दोस्तों ब्लैक के अंदर होता है। तो ब्लैक थीम कम्प्लीटली चेंज करता है इसका लुक का और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर 3 डॉट में टैप करते हो तो न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप, वेब भी आ जाता है। अगर हम सीरीज को ओपन करते हैं दोस्तों तब वो चेंज होकर ब्लू हो जाता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों जो अंदर जब जितने भी आप अंदर जाओगे दोस्तों अब ब्लू का अंदर होगा। अगर हम कॉन्टैक्ट्स को ओपन करते हैं तो वो भी दोस्तों ब्लू के अंदर आएगा। पर अगर आप चैट की बात करो दोस्तों, आपका जो मेन व्हाट्सएप के अंदर काम होता है दोस्तों यहाँ पर चैट्स के अंदर है, स्टेटस के अंदर है और कॉल के अंदर है। यहाँ पर कॉल, स्टेटस और जो चैट है दोस्तों सभी आपको ब्लैक के अंदर मिल जाएगा। सो इसलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पर आप आराम से चैटिंग करना ब्लैक थीम के अंदर। और मुझे पर्सनली ब्लैक थीम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए आपको ये वीडियो बना के मैं शेयर किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।